सो ही गाइस, कैसे आप सभी लोग? राइड भी तुम्हें मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ओकिनावा रिज की जो बैटरी डैमेज हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ शोरूम में जाकर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप एक कौन सी भी गाड़ी एलईडी एसडी वाली वेरियंट यूज़ करते हो, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी बैटरी जो है पूरी तरह से डैमेज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से डैमेज हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पे शोरूम में जाकर लाइव अपडेट देने वाला हूँ कि कुछ कुछ अपडेट आपको फॉलो करोगे तो आपकी बैटरी भी डैमेज होने से बच सकती है, अदरवाइज आपकी भी बैटरी कुछ इस तरह से डैमेज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यह वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जो पूरी तरह से रियल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज यार, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए कर लेते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शोरूम में जाकर लाइव डेमो शोरूम में जाकर आप स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, मैं आ गया ओकिनावा के शोरूम पर और दोस्तों आपके सामने ओकिनावा रिज है जो कि रेड कलर में है। तो दो स्कूटर में अभी ये प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ओनर से बात करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इसका जो टॉपिक बताता हूँ, मतलब कैसे कैसे आया, एंड उसके बाद ओनर से बात करके मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। उसके बाद भी बताऊंगा कि आपको ये किसे जो इससे बचना है। तो दोस्तों आपके सामने दो स्कूटर है जो कि ओकिनावा रिज है, तो दोनों में ये प्रॉब्लम आया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में प्रॉब्लम आया है। तो मैंने पहले बोला था कि कई सारे जो है फ्रेंड्स एंड कई सारे जो है लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी बैटरी जो है लीड एसिड वाली बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो रही है, यानी जो है पूरी तरह से फूक रही है। एंड ये कैसे फूक रही है, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले इसके दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ओकिनावा रिज है जो कि व्हाइट कलर में है, उसकी बैटरी तो इतनी फूकती थी दोस्तों कि बहुत ही बड़ा, मतलब कुछ दिनों में इसका जो धमाका है हो जाता था, इतनी बैटरी इसकी फूक गई। तो इसलिए तो इन्होंने क्या किया कि इसकी बैटरी जो है पहले रिप्लेसमेंट के लिए सेंड किया है। जी हाँ दोस्तों, रिप्लेसमेंट के लिए सेंड किया था, तो मैं वहाँ नहीं था, उन्होंने मुझे फिर बोला, तो उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे शोरूम में आकर। तो उसके बाद इस गाड़ी में यहाँ पे जो है कंप्लेंट आई है कि इनके भी गाड़ी की बैटरी जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके कहीं भी किसी भी गाड़ी में आ सकता है, लीडर सीट वाली गाड़ी में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जो है इनके जो ऑनर है, तो जो डीलर है ओकिनावा के, उनसे बात करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव डेमो। और उसके बाद मैं बाद में भी बताऊँगा कि आप इससे कैसे बच सकते हो। तो चलिए दोस्तों ऑनर से बात करते हैं। हाँ कैसे हुआ है सर, आप बताएंगे? ये गाड़ी 15 दिन पहले बंद हुई, चलाई नहीं थी। हाँ, ये गाड़ी की बैटरी फूक गई है। कितने दिन? 20 दिन की नहीं चला था आपने? 20 दिन नहीं चलाई इसलिए फूक गई। तो इसका क्या होगा, 20 का वारंटी का क्या, मतलब वारंटी का रिप्लेसमेंट मिल जाएगी? कितने दिन में, कितने दिन लगेगी इसमें आने की बैटरी वगैरह? 10-15 दिन में। और इसका कॉस्ट कितना जाएगा, मतलब कस्टमर कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्टली कंपनी देगी फ्री में चेंज करके? इसकी कंपनी ही चेंज करने देगी, क्योंकि इसकी गारंटी 1 साल के लिए है। 1 साल की गारंटी इसमें? हाँ। अभी इसमें मतलब आपने शोरूम पर गाड़ी रखी थी या कस्टमर को दी थी? कस्टमर ने 2 महीने किया था। हाँ। और उसको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो 10-20 दिन गाड़ी बंद थी, तो इसीलिए 20 या 1 महीना था, 20 दिन हो गए थे। हाँ। वो बंद रह गई ना, इसलिए बैठे उसके ऊपर गए। तो अभी गाड़ी चालू नहीं हो रही होती? चालू होती है, लेकिन इसका मोटर चलता नहीं, एवरेज 10-15 किलोमीटर जाती है। अभी ये बैटरी फुल डैमेज हो गई, इसका कुछ काम का नहीं है अभी? नहीं नहीं, कुछ काम का नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसकी रिप्लेसमेंट डालेंगे? इसके कंपनी को रिप्लेसमेंट डालेंगे। ओके। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लाइव डेमो शोरूम के जो डीलर होते हैं उनसे बात की थी, मैंने आपको यह दिखा दिया कि एक जो है ओकिनावा रिज है जो कि हमारे पास 2 रिज आई है, जिसकी जो बैटरी 1 की रिप्लेसमेंट के लिए सेंड की गई है, और ये है अभी इसको भी सेंड करना है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिखा दिया है। एंड आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर आप एक कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लीड एसिड वाली यूज़ करते हो तो आप इससे कैसे बच सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप जो है, या मैंने यहाँ पे बता दिया कि 20 या 30 दिन तक जो है आपका घूमने वगैरह जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी की जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग सारी एम्प्टी करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गाड़ी की चार्जिंग जो है पूरी तरह से एम्प्टी करनी है। एम्प्टी करने के बाद अगर आप जो है कहीं घूमने जाते हो तो चांसेस कम होते हैं इसकी बैटरी की डैमेज होने, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग इसका फुल होता है एंड इसको यूज़ नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। एंड दोस्तों आपको पूरा मतलब चार्ज भी इतना नहीं करना है, बार बार चार्ज नहीं करना है, 100% नहीं करना है, कभी कभी कम कम कर तो चलेगा,
आपको बार बार मतलब फुल्ली चार्ज नहीं करना है। फुल चार्ज करोगे एंड अपनी गाड़ी कहीं नहीं घुमाओगे तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आप ओकिनावा प्रेस यूज़ करते हो तो, अदरवाइज कौन सी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करते हो तो भी प्रॉब्लम आ सकता है लीड एसिड वाली बैटरी की। लिथियम आयन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लीड एसिड बैटरी के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो दोस्तों आपको जो है ध्यान में ये रखना है कि आपकी गाड़ी जो है अच्छी तरह से चार्ज की है तो वो आपको एम्प्टी करना है, उसके बाद कहाँ घूमने जाना है तो जा सकते हो, अदरवाइज ये आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये इसी कारण से प्रॉब्लम आई थी, जो यूज़र थे गाड़ी चलाने वाले वो घूमने गए थे कहाँ बाहर, तो उन्होंने क्या किया चार्जिंग पोल की गाड़ी की ओर घूमने गए, 10-20 दिन के बाद वापस आए तो उनका जो एवरेज पूरी तरह से कम हो गया, तो उन्होंने बैटरी चेक किया तो उसकी बैटरी डैमेज हो गई थी, मतलब डैमेज हो गई है, तो वो कंपनी के मतलब जो ओकिनावा शोरूम है वहाँ पर आए तो उन्होंने जो है रिप्लेसमेंट के लिए सेंड। तो दोस्तों यही अपडेट थी कि लीड एसिड वाले बैटरी की, तो वो मैंने आपको यहाँ पे जो क्लियरली बता दिया, तो अगर आप एक लीड एसिड बैटरी यूज़ करते हो तो ध्यान में रखिए जो मैंने टिप्स बताए, अदरवाइज ये टिप्स फॉलो करो तो आपकी बैटरी डैमेज से होने से बच सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू आए तो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे हर रोज़ वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं मिलता आपको न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।